आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और जिन सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है चर्चा में, चाहे वो हमारे रामचंद्रन जी हों, चाहे अधीर रंजन जी चौधरी, तो हमारे थोटा नरसिम्हन जी, सौगत राय जी, राजमोहन जी रेड्डी और अरविंद सावंत जी, जयप्रकाश जी यादव और हमारे कौशलेंद्र जी और मोहम्मद सलीम साहब, बहुत ही सबने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ सबके प्रति कि कुछ सुझावों के साथ अंत में सबने कहा कि हम इस बिल को अपना समर्थन देते हैं। और मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बिल को कभी भी जाति, धर्म अथवा मजहब के दायरे में बांटकर नहीं देखना चाहिए। यह बिल केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, बल्कि चाइना के साथ जब भी भारत का युद्ध हुआ था उस समय भी जो चाइनीज नेशनल्स भारत को छोड़कर चाइना चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी का भी मामला इस बिल में शामिल है, और इस बिल में उसका हम लोगों ने पूरी तरह से कॉग्निजेंस लिया है। वैसे सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा मैं विस्तार में उसके नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात जो बार बार माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई है, अध्यक्ष महोदय क्या जरूरत पड़ी है, 5 बार इस एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित यह बिल लाने की, इस पर आर्डिनेंस जारी करने की एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित, और उन्होंने कहा कि अब तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, ये इसके पहले भी चाहे द डिपॉजिटरीज आर्डिनेंस रहा हो अथवा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट आर्डिनेंस रहा हो अथवा द इम्प्लाइज प्राविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट आर्डिनेंस रहा हो, चाहे द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर्डिनेंस रहा हो, यह सब सारे आर्डिनेंसेस एक बार दो बार नहीं बल्कि 4-4 बार जारी हुए हैं। और इस आर्डिनेंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, 5वीं बार इस आर्डिनेंस को इसलिए हमको लागू करना पड़ा कि उस समय लास्ट सेशन था जब यह बिल लिस्ट हुआ था, और उस समय किन्हीं कारणों से इस बिल को सदन ने टेकअप नहीं किया, नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, इस कारण 5वीं बार यह आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। नहीं तो हमारी सरकार भी बार बार आर्डिनेंस लाने के पक्ष में कभी नहीं रहती है। किंतु इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी होने के कारण और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही 5वीं बार हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार का आर्डिनेंस जारी करने पर अपनी एसेंट देनी पड़ी है। जहां तक यक्स ग्रेशिया क्लेम्स की बात की गई है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यक्स ग्रेशिया क्लेम्स का जहां तक सवाल है, वो लोग करते थे जो 1965 के युद्ध के कारण भारत पलायन करके आए थे, यानी पाकिस्तान से भारत में आए हों अथवा चाइना से भारत में आए हों, वो लोग बराबर यक्स ग्रेशिया क्लेम्स वो करते थे, और अपनी सारी संपत्तियां छोड़कर आने पर जो बाध्य हो गए थे वे ही लोग करते थे, अन्य कोई दूसरा यक्स ग्रेशिया क्लेम नहीं कर सकता था। और इस प्रकार की लगभग 57,000 क्लेम्स कस्टोडियन ऑफिस में आए थे, और इन लोगों के अस्तित्व के लिए इन क्लेम्स पर वेरिफिकेशन किया जाता था डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और वेरीफाइड वैल्यू का 25% उन्हें पे भी किया जाता था, और 25% ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। जिस राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो राजा महमूदाबाद ने किस प्रकार से इस क्लेम को किया, अब यह हमारी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनका इस पर कोई क्लेम बनता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने इस पर क्लेम किया, और इन क्लेम्स का भारत में स्थित एनिमी प्रॉपर्टी के साथ कोई संबंध बनता नहीं है, इसलिए उनके क्लेम करने का भी कोई औचित्य नहीं था। मोहम्मद सलीम साहब ने एक बात कही है कि पार्टीशन के टाइम पर छोड़ी गई संपत्तियां इवेकू प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आपने कहा कि उसको आपने एनिमी प्रॉपर्टी कैसे मान लिया, एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है उनको, जिसने छोड़ा है इवेक्यू प्रॉपर्टी माना है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है। और यह जो इवेक्यू एक्ट है उससे यह गवर्न होता है, और यह पूरी तरह से दूसरा विषय है, इसलिए इसके संबंध में भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
अधीर रंजन जी चौधरी ने एक सवाल खड़ा किया कि सभी एनिमी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। इस संबंध में भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बची भी होंगी बाद में आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी। और जब कभी भी सूचना प्राप्त होती है एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में, उसे स्वीकार करने अथवा नकारने के संबंध में प्रक्रिया अनुसार जांच भी प्रारंभ की जाती है। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और शंका व्यक्त की थी कि जो एनिमी प्रॉपर्टी हैं वो कस्टोडियन ने कुछ संपत्तियों को अंतिम रूप से निपटान कर दिया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कस्टोडियन द्वारा किसी भी एनिमी प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन यहां देना आवश्यक था, इसलिए मैंने उसका क्लैरिफिकेशन अध्यक्ष महोदय यहां पर दिया है। यह बिल जब लोकसभा में पास हुआ और जब यह बिल राज्यसभा के विचाराधीन गया था तो वहां पर सेलेक्ट कमेटी में कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने डिसेंट दिए थे। मैं यहां पर उन डिसेंट की भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। पहली बात, नेचुरल जस्टिस की बात कही गई थी कि नेचुरल जस्टिस के या खिलाफ है, और साथ ही साथ कहा गया था कि यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और राज्यसभा के उन सभी सम्मानित सदस्यों ने एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 पर अपनी डिसेंट देते हुए कहा कि यह बिल चूंकि नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल के पूरी तरह से खिलाफ है और इसलिए इस बिल को किसी भी सूरत में पारित नहीं किया जाना चाहिए। अब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है। जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान द्वारा हड़प की गई, वह तो भारत के सिटीजन्स को या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं वापस नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कदाचित यह नेचुरल जस्टिस तो यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो संपत्तियां हैं उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं दी जाए। यह कैसे कहा जा रहा है, उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कही गई है कि इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यह भी हमारी समझ के परे है। कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? यह सारी प्रॉपर्टी एनिमी और एनिमी के हेयर्स माने एनिमी के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी थी, अब भारत सरकार की वह कस्टडी में है, कोई अन्य तो इसका मालिक नहीं हो सकता है। अगर कोई किराएदार अवैध रूप से किराएदार है तो मिल्कियत भारत सरकार की हो या किसी अन्य की, उसे किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस किराएदार पर भी जो भी नियम लागू हुआ, टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी रूल्स, यह सब सारे प्रोविजंस उसके ऊपर लागू होंगे। अतः किसी भी भारत के नागरिक का कोई हक इसमें नहीं छीना जा रहा है। यह पूरी तरह से इस संबंध में क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी को इस संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। बस शर्त यह है कि वह दुश्मन या दुश्मन का उत्तराधिकारी न हो, यानी एनिमी न हो और एनिमी का हेयर न हो, उत्तराधिकारी न हो। दूसरा डिसेंट जो था अध्यक्ष महोदय, यहां पर राइट टू इक्वलिटी, यह वक्त राइट टू इक्वलिटी को यहां नहीं मान रही है सरकार। उस संबंध में कहना चाहूंगा कि डिसेंट नोट में इन वर्तमान संशोधनों को आर्टिकल 14 के विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत रेजनेबल क्लासिफिकेशन जायज है। इस बिल के प्रोविजंस सारे एनिमी प्रॉपर्टीज पर समान रूप से लागू होते हैं तथा एक एनिमी प्रॉपर्टी से दूसरी एनिमी प्रॉपर्टी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं होता है। एनिमी प्रॉपर्टी की एक अलग श्रेणी की भी एक संपत्ति है एवं ऐसी संपत्ति पर ही न केवल यह संशोधन बल्कि 1968 का कानून भी इस पर लागू होता है। इसी प्रकार यह प्रोविजन एनिमी सब्जेक्ट के सारे लीगल हेयर्स और सक्सेसर पर समान रूप से लागू होता है और एनिमी के लीगल हेयर्स की नेशनलिटी पूर्णतः इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, ऐसा मैं मानता हूं। इस बिल में ऐसा भी प्रोविजन है कि यदि कोई प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी न होते हुए भी गलती से यदि वेस्ट हो जाए कस्टोडियन के पास तो वह उसे वापस कर दी जाएगी, यह प्रोविजन भी इसमें किया गया है।
अतः यह विवाद कि बिल के प्रोविजंस भारत संविधान के आर्टिकल 14 के ये खिलाफ हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना कदापि उचित नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत अध्यक्ष महोदया मैं यह मानता हूं कि यह बिल एक ऐसे मामले को पूरी तरह से रोक देता है या उस पर बिल समाप्त कर देता है जो कई अरसों से पेंडिंग में पड़े हुए थे तथा जिसके संबंध में डिसीजन बहुत पहले, और मैं समझता हूं कि 2010 का जो बिल था बिल के समय तो कम से कम इसे हो ही जाना चाहिए था। मैं यहां पर डिसेंट नोट तीसरा जो है उसकी चर्चा करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। आर्टिकल 300A को सरकार ने नहीं माना है, यह भी आरोप लगाया गया है, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में कहता हूं कि आर्टिकल 300A यह कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। शत्रु संपत्ति को तो कस्टोडियन के हवाले कानून की अथॉरिटी से ही किया गया है, अन्यथा नहीं किया गया है। पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और रूल्स के तहत और तत्पश्चात 1968 के कानून के अनुसार अब भी हाउस के सामने जो अमेंडमेंट है वह भी जो लीगल प्रोविजंस हैं उन लीगल प्रोविजंस को करने के लिए ही है। अतः कानून की परिधि के बाहर किसी भी संपत्ति भले ही वह शत्रु की भी हो उसको न तो लिया गया है और न ही बिना कानून के कोई डिस्पोज आप करने का इरादा सरकार का है, इसे भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और जहां तक एनिमी के उत्तराधिकारी सक्सेसर और हेयर का सवाल है उसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बिल का जो पर्पज है वह एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 68 के लीगल एक्सपेक्ट को क्लैरिफाई करना, उसको स्पष्ट करना, यह इसका उद्देश्य है। इनम एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के प्रोविजंस के अनुसार एनिमी सब्जेक्ट की मृत्यु के बाद भी वह एनिमी प्रॉपर्टी जो उस एनिमी सब्जेक्ट द्वारा धारित थी यानी उसके पास थी एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी और कस्टोडियन में वेस्टेड रहेगी। एनिमी सब्जेक्ट की मृत्यु के कारण एनिमी प्रॉपर्टी का कोई कलर बदल नहीं जाता है, और यदि इस बदलाव की अनुमति होती तो मैं समझता हूं कि एनिमी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही अपने आप में व्यर्थ हो जाता। अतः वर्तमान जो अमेंडमेंट है जो पेश किया गया है केवल मात्र इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तराधिकार का कानून एनिमी प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता है। मैं 2010 के सेकंड बिल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ था उसकी रिपोर्ट के एक अंश का रेफरेंस देना चाहूंगा जो पूरे प्रकरण के बारे में पूरी तरह से एक प्रकार का क्लैरिफिकेशन है। द स्टैंडिंग कमेटी हैड ऑल्सो नोटेड द ओपिनियन ऑफ श्री राम जेठामलानी दैट एंड हेयर कैन ओनली गेट व्हाट द प्रपोजिस्टर्स हैड व्हेन ए पर्सन इज डेड हिज हेयर गेट्स व्हाट ही ओन्ड इवन इफ ही इज इंडियन सिटीजन एंड हेयर ऑफ हिज फादर ही गेट्स व्हाट हिज फादर हैड बट इफ द फादर didn't have the property belonged to Indian nation, here gets zero. The standing committee had strongly felt that enemy properties worth crores of rupees should not go in the hands of those who do not have any legitimate claim over those enemy properties. और बहुत सारे members ने इस कानून के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के बारे में भी अपनी आपत्ति जाहिर की है, उस संबंध में भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा आर्टिकल 245, 46 और 48 के द्वारा पूरी तरह से यह प्रदत्त है, और कानून के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के अधिकार भी इसी में सम्मिलित भी है। एकमात्र लिमिटेशन संविधान के आर्टिकल 20 के क्लाज 1 में है जिसके तहत रेट्रोस्पेक्टिव पेनल लॉ नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स दिए हैं, अपने कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ को जस्टिफाई किया है, इसको सही ठहराया है। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भुवनेश्वर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 94, बख्तावर ट्रस्ट वर्सेज एमडी नारायणन ये 2003, टीकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी
2009 स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बिहार पेंशनर समाज 2006 और वीरेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 कई केसेज ऐसे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे कानून हैं जिनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही भी ठहराया है। कोल माइंस नेशनलाइजेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड एक्ट 1986, दूसरा बिहार स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज रिवीजन ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन एंड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी वैलिडेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 2001, बेंगलोर सिटी प्लानिंग एरिया जोनल रेगुलेशन अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 1996। अध्यक्ष महोदय, यहां पर इसी प्रकार इस बिल में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, इसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रोविजन यहां नहीं है जहां कहा गया हो कि यह बिल जुडिशियल स्क्रूटनी से परे है, क्योंकि यह बात पिछली बार भी आई थी और एक सदस्य ने केवल कहा, आज तो अधिकांश सदस्यों ने स्वीकार किया कि जुडिशियल स्क्रूटनी का प्रोविजन किया गया है और उसका स्वागत भी किया है। यहां तक कि कस्टोडियन के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्राविधान भी इसमें किया गया है और इसके लिए एक नया सेक्शन 18C इसमें इंसर्ट किया गया है। अतः मैं इस संपत्ति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भी के संबंध में भी अध्यक्ष महोदय बतलाना चाहूंगा। राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, यानी जिनको राजा महमूदाबाद कहते हैं, की चर्चा बार बार आई है। मैं यहां सेलेक्ट कमेटी के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2011 में एक एविडेंस जो दिया गया था, उस एविडेंस का एक पार्ट केवल सदन को सुनाना चाहता हूं। उसमें कहा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने म्यूटिनी नाम दिया था। इस संग्राम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इंडिविजुअल्स की मदद से रथलेसली सप्रेस कर दिया। अंग्रेजों ने सारी जमीनें अपने कब्जे में ले ली और ऐसा प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों ने इस संग्राम को दबाने में उनकी एक्टिवली मदद की, उन्हें वो तालुका दे दिया जाए। ऐसे भारतीयों ने जो अंग्रेजों के लायल थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी और ब्रिटिश पैट्रोनेज इंजॉय करने के इच्छुक थे और तालुकदार बनना चाहते थे, उन्होंने सनद कबूलियत नाम से एक बांड एग्जीक्यूट किया। इसका अर्थ यह था कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुड फेथ, लॉयल्टी, जील और अटैचमेंट प्रदर्शित करना अति आवश्यक था और उसे परफॉर्म करते रहना पूरी जिंदगी यह भी आवश्यक था। किसी भी समय इसका किसी भी तरह से उल्लंघन उनके अधिकार और टाइटल को खत्म कर देता। बट जो लोग ये कहते हैं कि यदि उनका कोई वारिस यहां आ गया तो वह क्यों नहीं क्लेम कर सकता है, उस संबंध में मैं समझता हूं कि यह पार्ट जो मैंने यहां पर पेश किया है उसका जवाब उससे मिल जाएगा। और राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद के पूर्वज राजा मोहम्मद आमिर हसनन खान ने इस तरह का सनद साइन कर तालुकदारी राइट एक्वायर की थी। उनका नाम तालुकदारों की जो सूची है उसके 86 यानी 86वें नंबर पर आज भी दर्ज है। चूंकि राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद के पिता यानी राजा महमूदाबाद के पिता पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और वहां के नागरिक बन गए थे, यहां तक कि उन्होंने एनिमी कंट्री में प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर ली और यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे एक शत्रु जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार भी उन्होंने किया था। यहां यह भी मैं अध्यक्ष महोदय आपको बतलाना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 47 में ब्रिटिश गवर्नमेंट शब्द को यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट से सब्स्टिट्यूट किया गया। इस प्रकार जब राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के पिता देश के एनिमी हो गए तो तालुकदारी प्रॉपर्टी में उनके सभी राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं और उनके पुत्र राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान यानी राजा महमूदाबाद का तालुकदारी प्रॉपर्टी में कोई हक अब बनता ही नहीं है। इस प्रकार बिल नंबर 125/2010 अल्ट्रा वायरस अथवा प्रोविजन ऑफ लॉ के सर्वथा विरुद्ध है।
एक अन्य महत्वपूर्ण बात का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि राजा महबूबाबाद को सौंपी जाने वाली जो प्रपोज प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के नाम से रिकॉर्डेड है और राजा महबूबाबाद उसके केवल नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट मात्र हैं, ओनर नहीं, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट मात्र हैं, जिनका राइट काफी पहले ही खत्म हो चुका है। अगर यूपी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के प्रोविजंस मुख्य रूप से पैरा A-124 को इग्नोर करते हैं तो राज्य सरकार का हजारों एकड़ जमीन पर से दावा समाप्त हो जाएगा और हजारों लोग राज्य सरकार की जमीन पर अपना दावा करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा महबूबाबाद को ज्यादातर जमीन लीज पर यूरोपियन स्टाइल में रह रहे सिविल सर्वेंट्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रदान करने हेतु एक टाउनशिप को डेवलपमेंट के लिए दी गई थी, जिसमें उन्हें नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कुछ भी बातें कही थी उस समय एविडेंस के रूप में, उन सब सारी चीजों का मैंने यहां पर अध्यक्ष महोदय उल्लेख किया है। इसलिए बिल नंबर 124/2010 के सेक्शन 18(1) and 18(b)(1)(2) के प्रोविजंस के अनुसार भी उनका कोई राइट या ओनरशिप नहीं बनती है। इससे यह स्पष्ट है कि तालुकदारी की ऐतिहासिक भूमिका, जिसे सनद कबूलियत के नाम से जाना जाता है, प्रधानतः उन लोगों के लिए थी जिन्होंने सक्रिय रूप से 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजी सरकार ने इन आजादी विरोधी व्यक्तियों को ही तालुकदार माना था। यह तालुकदारी इन व्यक्तियों की अंग्रेजी सरकार के प्रति जो एक वफादारी थी, उनके प्रति जो निष्ठा थी, प्रतिबद्धता थी, उसी की एक पहचान मात्र है। मैं नहीं समझता कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसी संपत्ति के पक्ष में होगा, मेरी यह निश्चित धारणा है। अतः सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ऑब्जर्वेशन हमारे जो भी माननीय सदस्यों के थे, लगभग उन सभी पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अब मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, कृपया वह इस बिल को पारित करने की कृपा करें।